Hi everyone, welcome to my maths channel. In this video you will get a complete solutions of JEE Advanced Maths Paper 2. So my dear friends, here I have discussed 16 questions. ये सारे questions को standard को देखो, आपको भी अच्छा लगेगा. कुछ कुछ questions normal questions हैं and कुछ कुछ questions extraordinary questions हैं. ये सारे questions को solve करने के बाद definitely आपका अंदर confidence build up होगा. So my dear friends, remember it, practice till you perfect and perfect practice makes you perfect. All the very best. Now, so this is JEE Advanced 2022 paper 2 ka first question hai. Alpha and beta p two real numbers such that this, if sine of alpha plus beta is 1/3, cos of alpha minus beta is 2/3, then the greatest integer less than or equal to this. ठीक है, क्लियर. सो ये वैल्यू है. सो यहीं से देखो, इसको अरेंज कर लो, साइन अल्फा कॉस बीटा एंड दिस प्लस दिस. ठीक है, तो इसका देखो यहीं पे क्या हो रहा है. सो दैट इज साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, सो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय दिस, सिमिलरली सो लाइक दिस. ठीक है, अभी ये जो साइन अल्फा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो लाइक दिस. ठीक है, तो 2 साइन बीटा कॉस बीटा उसको इस फॉर्म में लिखना. ठीक है, और यहीं पे देखो साइन अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा. कॉस अल्फा माइनस बीटा गिवन है, साइन अल्फा माइनस बीटा भी मिल जाएगा. सो इसीलिए सो लाइक दिस, जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज, यू विल गेट सो लाइक दिस. यहीं पे आके देखो, इसको 12 से कैंसिल करो, सो दैट इज -3, सो दिस इज 4. अभी इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, सो दैट वन शुड बी -2 है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चेम. Now, if yx is the solutions of the differential equations, this for x is positive, were clear. Jab y equal to 2, jab x equal to 1 and the slope of the curve, this is never 0, then the value of this. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो, इसको इस फॉर्म में लिखो और इसको. ठीक है, सो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू दिस, सो एंड देन इंटीग्रेट, क्लियर. सो दैट इज लॉग का फॉर्म में इंटीग्रेट कर दो, सो दैट इज इज वर लॉग को एलिमिनेट कर दो, एक्स टू दिवर 4 इज इक्वल टू दिस. यहीं पे क्वेश्चन में गिवन है, जब एक्स इज 1 वाई इज 2, सो सी का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो वाई का वैल्यू इज दिस. ठीक है, y इज 4 बाई एक्स 4 प्लस 1. अभी आपको क्या फाइंड करना है, टेन ऑफ y रूट 2, सो दैट इज x का जगह पे आप रूट 2 पुट कर दो, सो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 × 4/5, सो दैट इज इज 8. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर JEE Advanced. ये आपको द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, इसका वैल्यू क्या होगा. यहीं पे जो फंक्शंस है ना, क्लियर. सो दैट इज देखो, इसका इन्वर्स ए है एंड कन्वर्सली इसका इन्वर्स ए है. जब भी इस टाइप का, क्लियर, देखो ये फंक्शंस है, इसका इन्वर्स ही है. जब भी ऐसा होगा, आप ए वैल्यू को याद रखना, बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए है. क्लियर, दिस इज ए, दिस इज बी. ठीक है, एंड दिस इज एफ एक्स, सो दिस इज व्हाट, एफ इनवर्स एक्स. तो बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए है. बी मीन्स क्या, सो दैट इज 2, एफ ऑफ बी एक्स का जगह पे 2 पुट कर दो, सो लाइक दिस. अभी एक्स का जगह पे 1 पुट करो. ठीक है, सो 1 + 1 = 2, सो दैट इज 2 and 2, सो दैट इज 1 है, सो यू हैव गॉट दिस. ठीक है, अभी क्या है देखो, 81/2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, सो दैट वन इज 5 है. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर, इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस दिस. ठीक है, जब ऐसा होगा, क्लियर, सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो, सो यू विल गेट दिस. अभी दिस इज इक्वल टू टी है, सो दैट इज 16t³ - 68t × t इक्वल टू दिस. अभी देखो ये 4 से डिविजिबल है, सो लाइक दिस. ठीक है, अभी टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, सो दैट इज 4 and 1/4 है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो डी फार्मूला अप्लाई कर दो. सो दिस इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर मीन्स क्या, तो टी का वैल्यू क्या होगा, ±2 ± ½ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 इज दिस, एक्स का वैल्यू दिस. अभी प्रोडक्ट क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज इसका जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली यू कैन से, सो दिस इज 1 है. क्लियर, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इसी टाइप का क्वेश्चन का ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए. दिस इज JEE Advanced 22 क्वेश्चन 5. ए बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0e·x³ माइनस ऑफ दिस, क्लियर, इंटू साइन एक्स बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6 बीटा है.
ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो फंक्शंस है देखो, यहीं पे साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू तो वन है। एंड सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू तो वन है। तो यह और ई टू दी पर एक्स का एक्स क्यूब का एक्सपांशन मैंने लिखा वन प्लस एक्स क्यूब। और ये भी देखो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यू कैन राइट लाइक दिस, अगेन यू कैन राइट दिस, सो दिस इज कैंसल, ठीक है। ये वन वन भी कैंसिल हो गया, सारे वैल्यू इज दिस। एक्स क्यूब देखो, यहीं पे एक्स क्यूब एलिमिनेट हो गया, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो यू हैव गॉट 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, 5 बाई 6, बीटा इज इक्वल टू 5 बाई 6, 6 बीटा इज इक्वल टू 5 है। दिस इज वेरी वेरी, नाउ लेट बीटा बिलोंग्स टू आर, कंसीडर्स ए इज इक्वल टू दिस एफ, सो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, इसीलिए सो दिस इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। सो क्लियर, सो लेकिन ये जो मैट्रिक्स है देखो, ये मैट्रिक्स नॉन जीरो है, सो यू कैन डिवाइड सो लाइक दिस, सो दिस इज देखो, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद तुम्हें ये फंक्शंस मिलेगा। ए कॉमन ले लो, ए प्लस आइडेंटिटी एंड बी ए प्लस आइडेंटिटी, सो लाइक दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी क्या होगा, ए तो नॉन जीरो है, सो ए माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो है। ए माइनस बीटा का जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे सो इट विल गेट, सो बीटा इज इक्वल टू 1/3। लेकिन आपको क्या फाइंड करना था, आपको तो फाइंड करना था 9 बीटा, सो दैट इज व्हाट, 9 बीटा इज इक्वल टू 3 है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसी सो दैट मीन्स क्या, आपको समझ सब्जेक्ट को समझना। कंसीडर द फंक्शंस एफ जी फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दिस, इफ अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन सो दिस, ठीक है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9 अल्फा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ग्राफ गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 अल्फा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 5 बाई 2 अल्फा, एंड जी एक्स इस रेंज पे है, तो इसका ग्राफ इज दिस। आपको इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, सो दैट मीन्स क्या, क्लियर, किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड करके उसका ट्वाइस कर दो। एरिया इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ जीरो से हाफ, क्लियर, जीरो से हाफ फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये फंक्शन हो रहा है, प्लस हाफ टू 3/4, हाफ टू 3/4, ए जो ट्रैंगल है, ये ट्रैंगल का एरिया फाइंड करना है, हाफ इंटू 1/4 इंटू 2/3, ठीक है। ये जो लेंथ है, सो दिस इज 1/4, एंड ये जो लेंथ है, सो दैट इज 2/3 है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा का वैल्यू क्या है, सो लाइक दिस, ठीक है। क्लियर, अभी गया 9 अल्फा, तो ये 18 हो गया, 1/24 एंड 7/24, 8/24, सो दैट इज 3, सो दिस इज व्हाट, सो दैट इज इक्वल टू 6 है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसी टाइप का ही प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करना। हाइपरबोला दिस विद फोकाई एट एस एंड एस वन, वेयर एस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट एस पी एस वन इक्वल टू अल्फा विथ अल्फा इज लेस देन 5/2, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट्स एट पी, ठीक है, टू द हाइपरबोला, इंटरसेक्स द स्ट्रेट लाइन एस वन पी एट पी वन, लेट डेल बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एस पी वन एंड बीटा इज इक्वल टू एस वन पी, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, सो दिस बीटा डेल्टा बाई 9 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इज, सो क्या होगा ये आपको देखना है। देखो ये जो ग्राफ है, क्लियर, ये हाइपरबोला का ग्राफ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्लियर, जहाँ पे जो ड्रॉ करना है, सो दिस इज ए एंगल अल्फा बाई 2, ए एंगल्स बी अल्फा बाई 2, ए सो एस एंड एस वन तो फोकस है, ठीक है। ऐसा करके हम लोगों ने एस वन पी ड्रॉ किया और ए टेंजेंट देखो ये आर वन पे मीट किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, सो दैट इज पी वन, ठीक है। सो दिस इज ए जो एंगल्स है, सो दिस इज ऑल्सो अल्फा बाय 2 है, ए जो लेंथ है, सो दैट इज व्हाट, ठीक है। देखो यहीं पे पी आर जो लेंथ है, सो दैट इज डेल्टा है, ठीक है, पी आर जो लेंथ है, सो दैट इज डेल्टा है, एंड सो दिस इज ठीक एस आर टू, एस आर टू ए लेंथ, ए डेल्टा, ए वी डेल्टा है, ठीक है, क्लियर। अभी एस वन आर वन, ठीक है, यहीं पे क्या है, देखो एस वन आर वन एंड एस वन, ठीक है, सो दिस इज एस वन पी, ए जो ट्रेंगल है, यहीं पे क्या हो रहा है, देखो साइन अल्फा बाई 2, सो दैट इज व्हाट, ये तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, वही लिखा है बीटा साइन अल्फा बाय 2 है, सो दैट इज व्हाट, बीटा डेल बाई 9 साइन अल्फा बाई 2, सो दैट इज व्हाट, अभी बीटा क्लियर, 9 तो नीचे रख दिया,
and so this is beta sin alpha by 2, so that is what S1R1 hai, ठीक है, and so this is delta, delta is what SR2 hai, so this is SR2 into S1R1, so that is what, ठीक है, क्लियर, R1 ये जो लेंथ है, सो दैट इज़ इसका जो लेंथ है, सो दैट इज़ बी स्क्वायर माना जाता है, सो दैट इज़ बी स्क्वायर बाय 9, यहीं पे बी स्क्वायर क्या है, 64 है, सो दैट इज़ व्हाट, सो दिस इज़ 64 बाय 9, तो इसका क्लियर, सो दिस इज इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन से सो दैट इज 7 है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्लियर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आप प्रोसीड करोगे, ये क्वेश्चन लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको समझना है. Let Z denote the conjugate of a complex number Z. If Z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of this are integer, then which of the following is our possible values of modulus of Z है. Suppose मैंने ऐसा consider किया, ये जो integer represent करते हैं, so that is I1 plus I, ठीक है, I2 है, ठीक है, ये इंटीजर I1 I2 इंटीजर है, इसको मैंने ओमेगा से डिनोट किया, सो लाइक दिस, इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, सो यू विल गेट दिस, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दिस, अब ये दोनों को स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, ठीक है, सो दिस इज I1 स्क्वायर I2 का स्क्वायर, यार इधर से तो 2 मिलेगा, और 2 को इधर कर दिया, सो दिस, एंड यू मेक दिस वन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ Z2, ठीक है, Z4 है, तो Z4 का वैल्यू डी फार्मूला अप्लाई करो, डी फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखो यहीं पे I1 का वैल्यू मैंने 6 पुट किया, I2 का वैल्यू 3 पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये वैल्यू मिला है, ठीक है, तो मॉड जेड क्या होगा, इसका पावर 1/4 है, ठीक है, सो माई डियर फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है, ये क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छा से रीड करना. Now let Z be a circle of radius R, G1, G2, Gn be n circle of equal radius R. Suppose each of the n circle this touches the circle G externally. Also for n is equal to 1 to n minus 1, the circle Gi touches, clear, Gi plus 1 externally and Gn touches G1 externally. Then which of the following statement is R true hai? Clear, aisa diagram hai. सो लाइक दिस, जिसका रेडियस आर है, ऐसा एक्सटर्नली टच कर रहा है, जो ग्रेटर सर्कल है जिसका रेडियस आर है, इसको भी एक्सटर्नली सो दैट इज टच कर रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स देखो यहीं पे ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स क्या होगा, देखो ये एंगल सो दैट इज व्हाट 2π/2n है, ठीक है, सो लाइक दिस, ए जो लेंथ है, देखो ए लेंथ क्या है ना, ये लेंथ आर प्लस आर है, एंड ए लेंथ ए इज सो लाइक दिस, ठीक है, सो ए एंगल सो दैट इज वेल, ठीक है, सो दैट इज 90 डिग्री है, एंड दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, सो माय डियर फ्रेंड्स यहीं पे साइन 2π/2n दिस एंगल दिस लेंथ प्लस, ठीक है, क्लियर, सो दैट इज वर्ड, सो दिस लेंथ साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ए परपेंडिकुलर है, सो दैट इज आर बाई आर इज इक्वल टू दिस, ए रिलेशन्स आपको मिल गया, ए जब रिलेशन्स मिल गया, अभी एन का वैल्यू 4, यहीं पे 4 पुट करो, π/4, सो दैट इज √2 - 1, एन का वैल्यू 8 जब होगा, सो दैट इज वर्ड, ठीक है, सो एन का वैल्यू जब 8 है, तो कोसेक π/8, ठीक है, कोसेक π/8 मींस का कोसेक 22.5, सो मैंने ही r/r, सो दैट इज दिस ऐसा लिखा, r इज ग्रेटर देन ऑफ दिस, जब n का वैल्यू 5 है, π/5, सो दैट इज वर्स 36 डिग्री, सो दैट मींस क्या, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, इसीलिए r इज लेस देन r है, n का वैल्यू जब 12 है, सो दिस इज कोसेक 15 - 1, सो लाइक दिस, सो दिस इज लेस देन दिस, तो r इज लेस देन ऑफ दिस, ठीक है, सो माई डियर फ्रेंड्स यहीं पे, सो दैट मीन्स क्या क्या हो रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, सो दैट इज यहीं पे r इज ग्रेटर देन, सो दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, एंड सो दिस इज यहीं पे क्या हो रहा है, देखो r इज लेस देन r है, तो ये तो नहीं हो रहा है, और कौन सा √2 - r इज लेस देन r है, सो दिस ऑप्शन इज राइट चॉइस, n इज इक्वल टू 12 है, सो दैट इज
n is equal to 12, so this is D option is also right choice है. ये आपको समझना चाहिए एडवांस. सो दिस इज 22 क्वेश्चंस नंबर क्वेश्चंस 9 पेपर 2. लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन वेयर क्यू आर, ठीक है, सो दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू 1 एज वेल एज एस आर इज ऑल्सो 1 है. लेट एंगल पी क्यू आर इज 70, सो दिस इज क्यू आर एस, एंगल पी क्यू एस 15, एंड सो दिस इफ दिस एंगल्स इज थीटा, पी क्यू इज अल्फा, पी एस इज बीटा, देन द इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आर आर वट एवर इज देयर. सो माई डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायग्राम इज दिस इन ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, सो दिस इज अल्फा. ए एंगल देखो ये टोटल 70, ए 40, तो ए 30 है. अल्फा बाई साइन 30 इज इक्वल टू क्या है ना, सो दैट इज वट 1 बाई, सो दिस इज ए एंगल क्या हो रहा है देखो, सो दैट इज 70, दिस इज 30, तो ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री है. सो लाइक दिस 1 बाई कॉस 10, अल्फा का वैल्यू इज 1 बाई 2 कॉस 10 है. इन ट्रेंगल पी एस आर, पी एस आर क्या होगा, सो दैट इज 1 बाई साइन थीटा, एंड सो दिस इज वट यहीं पे क्या है देखो, बीटा बाई साइन 40, सो दैट इज दिस बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40. तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोगों ने चेक फाइंड किया, सो दैट इज सेक 40 है. सो माई डियर फ्रेंड, सो ऑब्वियसली यू कैन सेक 40 का जो वैल्यू है, ठीक है, सो दैट दिस इस रेंज पे होगा 2 बाई रूट 3, 2 है. क्लियर, सो दैट इज 2 बाई रूट 3 बाई 2, सो दैट इज वट हमें जो फाइंड करना था, हमें तो साइन थीटा फाइंड करना था, ठीक है. क्लियर, सो दैट इज, तो इसका जो वैल्यू है इस रेंज पे हो रहा है. सो दैट मीन्स क्या, ए एंड बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ठीक है. क्लियर, इस रेंज पे कौन सा वैल्यू आता है, 0, क्लियर, 0 रूट 2 एंड 1 से 2. लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस जी फ्रॉम 0 से 1 टू आर बी द फंक्शंस डिफाइंड बाई दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है. सो यहीं पे क्या हो रहा है देखो, साइन पाई बाई 6, सो दैट इज हाफ टू द पावर 2k है. हाफ टू द पावर 2k मीन्स क्या, अल्फा का वैल्यू सो दिस 1/3 है, 1/3 है, तो यहीं पे पुट कर दो, सो 2^x/3 एंड 2^1/3 इंटू 1-x है. यहीं पे एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, सो दैट इज, सो दिस इज 2^1/6 है, ठीक है. सो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये x बाई एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा 1/3, सो दिस अभी क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया देखो, मिनिमम वैल्यू सो 2^7/6 हो गया. अभी यहीं पे क्या है, ऑल्सो जी एक्स इज लेस दैन, तो यहीं से देखो जी एक्स इज लेस दैन ऑफ दिस 1, जब x का वैल्यू 0 है. क्लियर, जब x का वैल्यू 0 है ये मिल रहा है, x का वैल्यू 1 है वो भी मिल रहा है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट्स है. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है. लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चंस नंबर 16 2022 जेई एडवांस पेपर ईपीएम इज दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस. जब भी इतना बड़ा बड़ा डिग्री होगा तो सम ट्रिक इज दिया, यहीं पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. तो एम इज इक्वल टू, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस दिस इसे लिखा है. अभी इसको ए मैट्रिक्स कंसिडर किया तो ए स्क्वायर का वैल्यू 0 आया. सो एम टू दावर 2022 इज इक्वल टू, सो दिस 1+3/2a, इसको बाइनोमियली एक्सपांड किया, इसका जो नेक्स्ट टर्म है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 होगा, तो सारे तो 0 हो जाएगा. सो दिस इज 30331 है. हर एक एलिमेंट को 3033 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, सो लाइक दिस यू हैव गॉट दिस. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. सो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ये आपको समझ. नाउ फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, लेट द फंक्शंस वाई एक्स बी द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है. ये चार ऑप्शंस है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो देखो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e^12x, सो लाइक दिस, ठीक है. और सो e^ देखो एक फार्मूला है, e^x cos bx dx, इसको यहीं पे अप्लाई किया, बस और कुछ नहीं किया. अब यहीं पे एक चीज़ गिवन है, पुट x इज 0, y इज 0, तो c का वैल्यू दिस, तो y इस पे पुट कर दिया, सो y इज इक्वल टू दिस. सो माई डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये जो फंक्शंस है यहीं पे अभी ऑप्शन चेक करना है. दिस इज अ पीरियडिक फंक्शंस है ये, क्लियर, सो दिस इज नॉट ए पीरियडिक फंक्शंस. ए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से यहीं पे आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहीं पे जो है
there exists a real number beta such that the line y is equal to beta intersects the curve and infinitely many points. C options is the right choice है. Clear? So my dear friends, इसी type का questions को आपको समझ में आओ. Question number 18 2022 for n, for positive integer n, define this. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस ए क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू ए डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम है. एफ एन इज इक्वल टू, सपोज समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन 16 आर, देखो यहीं पे वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है उसको आर लिखोगे, 9 एन माइनस 4 एन आर माइनस 3 एन स्क्वायर, और नीचे क्या है 4 एन आर प्लस 3 एन स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसका साथ जोड़ के, सो इफ़ यू सिंप्लीफाई करो, सो दैट इज 16 आर प्लस 9 एन बाई 4 एन आर प्लस 3 एन स्क्वायर. ठीक है, तो यार देखो यहीं से इसको सेपरेट कर दो, सो दैट इज़ माइनस एन और एन तो एलिमिनेट हो जाएगा, सो दैट इज़ लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 से 1, ऑब्वियसली यू कैन से सो लाइक दिस. अभी जो इसका क्लियर, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन 4x, लिमिट 0 से 1 4, एंड सो दिस इज ऑब्वियसली 3 बाई 4 लॉग 7 बाई 3 है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे, सो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस को अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा.